हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आज हम सिर्फ स्ट्रो की सहायता से एक बहुत बढ़िया बांसुरी बनाएंगे। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि इस तरह के स्ट्रो से नारियल पानी या कोई जूस पीकर उसको कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि सिर्फ स्ट्रो और एक कैंची की मदद से हम बांसुरी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रो को आगे से थोड़ा दबा लेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए और फिर कैंची से दो तिरछे कट लगाएंगे, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। और इन दो तिरछे कट लगाने के बाद होगा क्या कि ये जो हमारी स्ट्रो है ये आगे से वी आकार की दिखेगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चिड़िया की चोंच जैसी या फिर एक क्रोकोडाइल के मुंह जैसी दिखेगी, मगरमच्छ के मुंह जैसी। और अब अगर मैं इसको मुंह में रख के बहुत जोर से फूंक मारूं तो देखिए क्या होता है। तो ये एक तरह की आवाज आई। और यही काम अगर मैं एक छोटी स्ट्रो के साथ करूं, तो मैं एक दूसरी स्ट्रो ले लेता हूं जिसका मैं एक आगे से छोटा टुकड़ा काट लेता हूं। तो ये छोटी स्ट्रो है और इसके साथ भी यही काम करेंगे, आगे से दो तिरछे कट लगा के इसको भी एक चिड़िया की चोंच बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम काम इसके साथ करेंगे, इसको भी जोर से फूंक मारेंगे आगे से। तो ये दूसरी तरह की आवाज आई। अगर स्ट्रो ये वाली ली थी मैंने, पूरी स्ट्रो ली थी, तो एक तरह की आवाज, छोटी स्ट्रो लें तो दूसरी तरह की आवाज। तो इन दोनों की आवाजों में फर्क है। क्या फर्क है? ये कह सकते हैं कि ये वाली जो स्ट्रो है उससे जो आवाज निकलती है थोड़ी भारी आवाज है, और ये वाली जो आवाज है ये पतली आवाज है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं और उनको बुलाने के लिए घर के अंदर से आवाज आए, तो ऐसी आवाज मम्मी की होगी, और ऐसी आवाज आए तो ये पापा की आवाज होगी। अब ये भी करके देख लेते हैं कि पापा की आवाज को मम्मी की आवाज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि हम इसको करते करते इसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैंची कब नाक के पास आ गई, और फिर जो आवाज आती है वो स्ट्रो में से नहीं कहीं और से ही आती है और बहुत तेज आती है। और अगर साइंस की भाषा में बोलें तो इस लंबी स्ट्रो से जो भारी आवाज आई थी इस तरह की, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। और ये जो छोटी स्ट्रो से पतली आवाज आई थी इस तरह की, उसकी वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जब हमने इसको कैंची से काट काट के छोटा किया था तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी या फिर वेवलेंथ कम हो गई थी। वेवलेंथ को और बढ़ाने के लिए हम दो स्ट्रो को जोड़ भी सकते हैं, तो ये हमारी और बड़ी स्ट्रो होगी। अब देखते हैं क्या होता है। और योगा भी हो जाता है। और हमने थोड़ी देर पहले मम्मी और पापा की आवाज निकाली थी, तो बच्चे को क्यों छोड़े, तो उसकी भी आवाज निकाल देते हैं। तो ये हो गई मम्मी पापा बच्चे, पूरी फैमिली की आवाज एक छोटी सी स्ट्रो से निकल जाती है। और इसको बजाते समय सिर्फ एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अपने होठों को अगर हम इन फ्लैप्स पे रख के फिर फूंक मारेंगे तो ये सीटी नहीं बजेगी। ये देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रो को थोड़ा सा अंदर रखना पड़ेगा और फिर फूंक मारेंगे तो ये फ्लैप्स फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं और हमारी सीटी बच जाएगी। ये देखिए। और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि बजाने से पहले अगर इसको दांत से थोड़ा चबा लेंगे तो फ्लैप्स थोड़े पास आ जाएंगे और सीटी बजाने में आसानी रहेगी। और अगर अलग अलग लेंथ की इन दोनों स्ट्रो को एक साथ बजाएं तो देखिए क्या होता है। तो ये एक ट्रेन के हॉर्न जैसी आवाज आती है, और ट्रेन के हॉर्न में भी असल में यही किया जाता है कि तीन चार फ्रीक्वेंसी एक साथ बजाते हैं तो वो हॉर्न की एक अलग आवाज हमें सुनाई देती है। और अब ये देख लेते हैं कि जो स्ट्रो है इसमें से आवाज आई ही क्यों। आवाज जो आती है वो किसी चीज के वाइब्रेशन के कारण आती है। तो इसमें वाइब्रेट क्या कर रहा है, तो ये जो फ्लैप आपको दिख रहे हैं दोनों आगे की चोंच हैं, ये दोनों आपस में टकरा टकरा कर वाइब्रेट कर रही हैं। और इसको आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रो को ऐसे रखने के बजाय उल्टी दिशा से अगर मुंह में रखेंगे और हवा अंदर खींचेंगे तो आपको ये फ्लैप्स वाइब्रेट होते हुए दिखेंगे। ये देखिए,
इसको स्लो मोशन में भी देख लेते हैं। तो स्ट्रो में फूंक मारने से ये जो दोनों एंड्स हैं ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? कायदे से तो फूंक मारने से इनको खुल जाना चाहिए था, पर ये एक बार खुल रहे हैं, एक बार पास आ रहे हैं, एक बार दूर जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। असल में जब हम स्ट्रो के अंदर फूंक मारते हैं तो इसके अंदर हवा की स्पीड तेज हो जाती है, और हवा की स्पीड तेज होने की वजह से वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है, हमें लगता है कि अगर स्पीड तेज है तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये कागज की मदद से अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये कागज ले लें और उसके एंड्स को पकड़ के अगर इसके बीच में अगर मैं फूंक मारूंगा तो क्या होगा, ऐसा लगता है कि एंड्स दूर जाने चाहिए क्योंकि तेजी से जा रही है हवा, बट असल में देखिए क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही मैं फूंक मार रहा हूं ये दोनों एंड्स पास में आ रहे हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रो में हो रहा है, और इसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल यही है कि किसी भी फ्लूइड यानी हवा, पानी या किसी और गैस या लिक्विड की, किसी भी फ्लूइड की जब हम स्पीड बढ़ती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और ये आपने बहुत बार जिंदगी में देखा होता है, बस ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का नाम नहीं पता था। आपने देखा होगा कि जब अक्सर जब तूफान आता है तो घरों की छतें उड़ जाती हैं, और ऐसा इसीलिए होता है कि तूफान के टाइम छत के ऊपर हवा की स्पीड तेज होती है, इसलिए प्रेशर कम होता है, और अंदर जो क्योंकि हवा की स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए छत के ऊपर नेट फोर्स ऊपर की दिशा में लगता है और वो उखड़ जाती है। ट्रेन से अगर आपने जर्नी की है तो आपने ये भी देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पे एक पीली रंग की रेखा खींच के रखते हैं और ये बोलते हैं कि उसके आगे नहीं जाना चाहिए, और वो भी इसीलिए क्योंकि जब ट्रेन तेजी से आती है तो उसके साथ साथ जो हवा है वो भी स्पीड से जाती है, इसलिए प्रेशर कम हो जाता है, और हमारे पीछे क्योंकि हवा आराम से बह रही है इसलिए प्रेशर ज्यादा है, तो हमें आगे की तरफ एक पुश मिलता है, और अगर उसके पीली रेखा से आगे खड़े होंगे तो हो सकता है कि वो हमारी आखिरी ट्रेन यात्रा भी हो जाए। और यही काम हमारी स्ट्रो में भी हो रहा है, जब हम इसके अंदर फूंक मारते हैं तो हवा की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए चारों तरफ तो प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो ये स्ट्रो बंद हो जाती है। अब जैसे ही बंद हुई तो इसमें हवा जाना बंद हो गया, जैसे ही हवा जाना बंद हुआ तो उसमें जो स्पीड थी हवा की वो जीरो हो गई, इसलिए प्रेशर फिर से इक्वलाइज हो जाता है और ये खुल जाती है, जैसे ही खुली इसमें फिर से हवा गई, और ये प्रक्रिया वापस दोहराती रहती है, इसलिए हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं, और ये जो स्ट्रो के वाइब्रेशंस हैं वो फिर हवा को वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेट होने वाली हवा हमारे कानों में पड़ती है जिससे हमें इसकी साउंड सुनाई देती है। और अगर ध्यान से सोचें तो ये जो बोलने की और सुनने की और समझने की प्रक्रिया है ये किसी मैजिक से या जादू से कम नहीं है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, उस थॉट को दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने वोकल कॉर्ड को एक निश्चित तरीके से वाइब्रेट कराते हैं, उस वाइब्रेशन से जो हमारे बीच की हवा है, मेरे और सुनने वाले के बीच की जो हवा है वो वाइब्रेट होती है, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो सुनने वाले के कान पर पड़ते हैं जिससे उसके कान का पर्दा वाइब्रेट होने लगता है, और वो वाइब्रेशंस को सुनने वाले का दिमाग समझ लेता है और उससे उसको ये पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा था। तो अगर ध्यान से सोचें तो काफी जादुई प्रक्रिया है ये, मेरे दिमाग के थॉट सुनने वाले के दिमाग में ट्रांसफर हो गए, और कैसे? सिर्फ प्रेशर के कम और ज्यादा होने से। और जैसा हमने शुरू में कहा था इसी स्ट्रो की हम बांसुरी भी बना सकते हैं, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रो को बीच से मोड़कर इसके साइड में दो छेद कर देंगे, तो ये पहला छेद हो गया, और इसी तरह से थोड़ा सा नीचे एक और छेद बना देते हैं। चलिए अब इसको बजा कर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये बांसुरी बनी या बेसुरी बनी ये तो बजाने वाले और सुनने वाले पे निर्भर करता है, लेकिन ये एक ही स्ट्रो से अलग अलग तरह की आवाजें निकलना शुरू हो गया है। और अब इसमें ये भी सोच सकते हैं कि ये जो दो छेद मैंने किए थे इनसे टोटल कितनी तरह की आवाजें आई, तो ये ध्यान से अब एक बार फिर से सुनते हैं। तो टोटल तीन तरह की आवाजें आई, तो दो छेद और तीन आवाजें, बहुत नाइंसाफी है। अब ये देखते हैं कि ये जो छेद है इन पर उंगली रखने से या फिर इन पे से उंगली हटाने से आवाज बदल क्यों रही है। जब हम दोनों छेद को उंगलियों से कवर रखते हैं तो हमें वो आवाज सुनाई देती है जो पूरी लंबाई वाली स्ट्रो से सुनाई देती, जब हम इस छेद से उंगली हटा देते हैं तो साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे हमने स्ट्रो को यहां से काट दिया हो और स्ट्रो की लंबाई इतनी ही रह गई हो, और जब इसको भी हटा देते हैं तो स्ट्रो की लंबाई इतनी ही रह जाती है क्योंकि प्रेशर यहीं पे इक्वलाइज हो जाता है। इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जब पहला होल खुला है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा होल खुला है या बंद है। ये देखिए,
साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं पहला होल पे से उंगली हटाता हूँ या इस पे उंगली लगाता हूँ तो साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो अगली बार जब भी आपको स्ट्रो मिले तो उससे सीटी और बांसुरी जरूर बनाएं और अपने स्कूल और घर को सुरमय या फिर शोरमय कर दें। थैंक यू।